बेनजीर भुट्टो शहीद अपने नाम की तरह हर लिहाज से बेनजीर थीं, जहानत और काबिलियत में बेमिसाल। अच्छी बेटी, बेमिसाल बीवी और शफीक माँ। किचन के भी हिसाब रखती थी, अपने नौकरों के ऊपर भी सख्ती करती थी, घर की सफाई को भी वो हमेशा चेक रखती थी। मतलब एक वो बेहतरीन इंसान थी, वो यानी हर खूबियों का एक मजबूआ इंसान थी। आला तालीम ने उनकी खुदादाद सलाहियतों को निखार बख्शा। लिबास में मशरकी रंग नुमाया और बात करने का अंदाज ऐसा पुरवकार कि हर देखने और सुनने वाला मुतासर हुए बगैर ना रहता। उन्हें इंतहाई सादा गजा पसंद थी। खाने का जो तूफान होता है कि इतनी किस्म की वैरायटीज और ये पकाया जाए तो पकाया जाए, पहली तड़की उनकी हमेशा यही थी है कि वन डिश सादगी दाल चावल या कावा। लिबास का भी पाकिस्तान के अंदर उन्होंने एक नया ट्रेंड दिया है। मौतमा बाकायदा पूरा ध्यान रखती थी कि मैंने अब किस महफिल में हूँ, कहाँ बैठी हूँ, दुपट्टा वो सर से नहीं उतरने देती थी। बीबी शहीद कयादत की खूबियों से मालामाल थी। उन्होंने वजारत उज़्मा और अपोजिशन लीडर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों को कमाल महारत से निभाया। उनकी बहादुरी मिसाली थी। जिंदगी को वाज़े खतरात के बावजूद वो सियासी मैदान में जमी रही। वो तो मुजस्मा बहादुरी थी। जिस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स आ रहे थे, जिस तरह हम उनको रोकने की कोशिश करते थे, वो उतना ही ज्यादा अपने आप को पब्लिक के साथ ज्यादा एक्सपोज करती थी। बेनजीर भुट्टो ने अपनी जहानत के बायस बैनुल अक्वामी सतह पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया। यही वजह है कि उन्हें दुनिया की बा असर शख्सियात में शुमार किया जाता है। बीबी सियासी फैसले हमेशा सोच समझ कर करती थी। मैंने आज तक उनके किसी फैसले में झोल नहीं देखा। कहीं ये नहीं देखा कि फला शख्स को सिर्फ इसलिए उन्होंने किसी जगह एलिवेट किया कि कहीं झुकना पड़ा उन्हें। उन्होंने मेरिट पे इंतहाई सोच समझ के और उसके आफ्टर इफेक्ट्स को देख कितने हुए सारा कुछ। मुबस्सरीन का कहना है कि बेनजीर भुट्टो शहीद जैसी मशहूर कुन शख्सियात हर रोज पैदा नहीं होती। वो सियासी कायदीन और हुकूमती ओहदेदारों समेत हर एक के लिए काबिले तकलीद नमूना है। कैमरामैन अवैस काजी के साथ ज़किया मंजूर, सामा, इस्लामाबाद।